रोजगार गारंटी योजना का जो शुभारंभ आज पूरे प्रदेश में किया जा रहा है, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राज्य स्तर के ऊपर इसका शुभारंभ जयपुर में किया है आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से, और सारे प्रभारी मंत्री आज पूरे राजस्थान के 33 जिलों के अंदर इस योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। मैं भी आज आपके माध्यम से यहाँ पर सिरोही के अंदर उपस्थित हूँ। पहले हम सीएम साहब की वीसी से जुड़े हुए थे 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, और उसके बाद के अंदर अभी हमने जॉब कार्ड वितरित करके और यहाँ पर हमारे माननीय सम्मान्य विधायक साहब विराजमान, सैयद लोटा जी, क्लर्क साहब, एसपी साहब, सीओ मैडम, सभापति जी और हमारे सारे अधिकारी भी सब लोग आप लोगों की मौजूदगी के अंदर, पत्रकार महोदय की मौजूदगी में इस योजना का शुभारंभ सिरोही के अंदर किया गया है। सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है, उस योजना के अंदर सरकार की मंशा रही है, जनप्रतिनिधि ने बार बार इस बात को उठाया है कि शहरों के अंदर भी रोजगार मिलना चाहिए। गाँव के अंदर नरेगा के माध्यम से जो योजनाएँ प्रारंभ की गई थी UPA सरकार में, उस वक्त मनमोहन सिंह जी की सरकार थी देश में, तब गाँव के अंदर योजना प्रारंभ हुई थी, शहर के अंदर मांग हो रही थी। और मैं मानता हूँ कि पूरे देश में से राजस्थान ऐसा पहला प्रदेश है जिसने पहली बार इस योजना को शहरों के अंदर प्रारंभ किया है। और वैसे भी अशोक गहलोत जी ने कई योजनाएं जो पहली बार प्रारंभ किए, जैसे निःशुल्क दवा हो, निःशुल्क जाँच हो, अभी गाँव के अंदर खेलकूद प्रतियोगिताएँ हों ग्रामीण स्तर के ऊपर, उसी प्रकार शहरों के अंदर 100 दिन रोजगार मिले ये कानून बना दिया गया है, और इसकी इसका फायदा शहरों के अंदर लोगों को निश्चित रूप से मिलेगा। राज्य सरकार सदैव से ही गरीब, असहाय और ज़रूरतमंद लोगों के लिए संवेदनशील सरकार रही है। कोरोना के दौरान जब संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था अस्थिर थी एवं रोजगार के साधन जब उस वक्त उपलब्ध नहीं थे, तब राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की दूरदर्शी सोच एवं नेतृत्व ने राज्य के जरूरतमंद लोगों का उस वक्त भी विशेष रूप से ध्यान रखा गया। राज्य सरकार ने 1.10 लाख स्ट्रीट वेंडर श्रमिकों एवं उनके परिवारों को राशि ₹2,500 प्रति परिवार उपलब्ध करवाई गई।